बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में हम स्टेडी स्टेट सिमुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने टर्मिनेट सिमुलेशन सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था। सो डिफरेंस जो है बेसिकली टर्मिनेटिंग सिमुलेशन स्टडीज में और नॉन टर्मिनेटेड सिमुलेशन स्टडीज, या फिर आप ये कह सकते हैं स्टेडी स्टेट सिमुलेशन स्टडीज में, वो डिपेंड करता है कि आपकी सिस्टम की स्टार्टिंग और एंडिंग कहाँ से हो रही है। लाइक टर्मिनेटेड सिस्टम्स के अंदर आप एक स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन करते हैं और एंडिंग पॉइंट तक आप सिमुलेशन को रन करते हैं, जबकि स्टेडी स्टेट के अंदर आपका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मैटर नहीं कर रहा होता। आप एक पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर, स्टेडी स्टेट इंटरवल के अंदर डेटा को कलेक्ट करते हैं, जिसके बारे में हमने लिटिल बिट डेफिनेशन के थ्रू प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर पढ़ा था। इन डिटेल हम दोबारा इसके बारे में कवर करेंगे, बेसिक नॉलेज जो है वो डेवलप करेंगे, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली विच इज़ अप्रोप्रिएट, लाइक हमें सिमुलेशन के अंदर कौन सी टेक्निक यूज़ करनी चाहिए, टर्मिनेटेड स्टडीज करनी चाहिए या स्टडी स्टेट सिमुलेशन। तो ये बेसिकली डिपेंड कर रहा था आपके गोल ऑफ स्टडी के ऊपर, और ये एक्चुअली आपके मॉडल के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि आपको स्टडी स्टेट सिमुलेशन रन करनी है या टर्मिनेटिंग या टर्मिनेट सिमुलेशन स्टडी को रन करना है। तो ये एक्चुअली गोल ऑफ स्टडी जो है वो डिपेंड कर रहा होता है इसके ऊपर कि आपने कौन सी स्टडी को रन करना है। और मोस्ट ऑफ द जो मॉडल्स होते हैं लाइक वो टर्मिनेटेड सिमुलेशन स्टडीज के लिए यूज़ किए जाते हैं। इन सम केसेस हम स्टडी स्टेट एनालिसिस भी यूज़ करते हैं, जो कि अगेन डिपेंड करता है आपकी गोल ऑफ स्टडी पे। ओके, तो जस्ट टू रिमाइंड यू अगेन, टर्मिनेटेड सिमुलेशन स्टडीज के अंदर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जो है वो डिफाइंड होता है, जिसके अंदर हम स्टार्ट से लेकर एंड तक अपनी सिमुलेशन को रन करते हैं और हमारे पास एक गुड अमाउंट ऑफ डेटा सेट जो है वो अवेलेबल होता है। और ट्रांजिएंट पीरियड जो होता है हमारे पास टर्मिनेटेड सिमुलेशन स्टडीज में, वो ये वाला पोर्शन होता है जिसमें ट्रांजिएंट जो है बेसिकली आपकी एंटिटीज जो हैं एक कम अमाउंट में, लाइक यू कैन से एट स्टार्ट ऑफ द बैंक, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बैंक की एग्जाम्पल यहाँ पे लूँ, लेट से बैंक मेरा 7 AM या 8 AM पे ओपन होता है और इसका एंडिंग जो है बैंक का वो 7 PM या 6 PM पे हो रहा है, तो ये जो स्टार्ट जो पोर्शन होगा मेरे पास यहाँ पे ट्रांजिएंट पीरियड हो रहा है। लाइक मेरे पास एंटिटीज जो है वो कम आएंगी, आस्ते आस्ते ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगी, और एक सम इंटरवल के बाद मेरा डाटा जो है वो स्टेडी स्टेट कंडीशन को फॉलो करेगा। सो हम जो एवरेज ले रहे होते हैं सिस्टम, टाइम एवरेज जो एस्टिमेटेड होती है, वो हमारी टर्मिनेटेड सिमुलेशन के अंदर कंप्लीट स्टार्ट टू एंड तक जो हमने कंडीशन डिफाइन की होती है उस तक हम डाटा को लेते हैं। सो बट द इम्पोर्टेंस और मेन फोकस इज कि हाउ वी कैन डिटरमाइन द रेप्लीकेशन फॉर द लाइन, कि हमने कितनी रेप्लीकेशन करनी है टू डिजायर लाइक फॉर कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर एस्टिमेट द परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस अल्टीमेटली हमने परफॉर्मेंस को मैयर करना है, और इसके लिए हमें कितनी रेप्लीकेशन रिक्वायर्ड हैं, जो कि हम इनिशियली जो है हम हिट ट्रायल एंड एरर बेसिस के ऊपर डेटा एन वैल्यू जो है रेप्लीकेशन की कैलकुलेट करते हैं, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में इन डिटेल कवर कर लिया है इस टॉपिक को, और किस तरह से हम अपनी एन वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं और देन हम उसकी अप्रॉक्सीमेशन डेवलप करते हैं और कंपेयर करते हैं सिस्टम को, और कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये सब कुछ हमने प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर इन डिटेल कवर कर लिया था। ये जस्ट आपके लिए रीकैप था टू डिफरेंशिएट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनेटिंग सिस्टम एंड द नॉन टर्मिनेटिंग सिस्टम। तो ये जो मेरे पास सिस्टम है ये टर्मिनेटिंग सिस्टम है, सो दिस इज एक्चुअली शोइंग द नॉन टर्मिनेटिंग सिस्टम और यू कैन से स्टेडी स्टेट सिमुलेशन स्टडी। इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर अगर हम देखें, यहाँ पे जो मेरा ट्रांजिएंट डेटा का पीरियड है, टाइम पीरियड है, यहाँ से मेरे पास जो बाइसनेस है मेरी एस्टिमेशन के अंदर वो अटर होना स्टार्ट हो रही। लाइक यहाँ पे हम अगर स्टेडी स्टेट सिमुलेशन स्टडी की बात करें या नॉन टर्मिनेटेड सिमुलेशन स्टडी की बात करें, इस पर्टिकुलर इंटरवल में हमारा जो कंसर्न होता है वो सिर्फ इस स्टेडी स्टेट कंडीशन के ऊपर होता है, बट एक्चुअली आपका सिस्टम का स्टार्टिंग और एंडिंग जो है इसके अंदर मैटर नहीं कर रहा होता, इसमें सिर्फ आपका इस पोर्शन को आपने देखना होता है। अल्टीमेटली यहाँ पे बाइसनेस जो है वो अकर होती है, और इस बिहेवियर की वजह से जो एस्टिमेटेड स्टेडी स्टेट होती है वो आपकी लो हो जाती है। ये जो पोर्शन है ये आपको बाइसनेस को शो करेगा, ठीक
इसलिए यहाँ पे आप इस पोर्शन को इंक्लूड नहीं कर रहे अपने सिमुलेशन स्टडी को उसकी रिपोर्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इस चीज को हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं, इस चीज के लिए हम यहाँ पे वार्म अप पीरियड जो है वो इंक्लूड करते हैं। लाइक वार्म अप पीरियड क्या होगा, जिसके अंदर हम इग्नोर कर देते हैं इस ट्रांजिएंट डाटा को, सो डैट कि हमारी बाइजनेस जो है वो ना हो और यहाँ पे ना होने के बराबर हो। सो द पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट इज अ लिमिटिंग बिहेवियर दैट स्टेडी स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पे हमारे पास जो बिहेवियर है हमारे सिस्टम का वो लिमिटिंग बिहेवियर है। सो इनिशियल ट्रांजिटरी पैटर्न जो है वो हमारे इंटरेस्ट में नहीं, हमें उनसे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि उनकी क्या वैल्यूज आ रही है, हमारा फोकस जो है वो सिर्फ इस पर्टिकुलर इंटरवल पे है। एंड द एडिशनल चैलेंज क्या आता है इस सूरत में, हमें अब वार्म अप पीरियड कितना रिक्वायर्ड है, कितना टाइम के लिए वार्म अप पीरियड हमें रिक्वायर्ड होगा, और इसकी इनिशियलाइजेशन ऑफ बाइसनेस जो है आपकी, इसको आप किस तरह से रिमूव करेंगे, और कैन इंटेलिजेंट चॉइस ऑफ इनिशियल कंडीशन रिड्यूस द वार्म अप पीरियड। तो अगर हम बेहतर तौर पे इनिशियल कंडीशन सजेस्ट कर लें तो क्या हम वार्म अप पीरियड को रिड्यूस कर सकते हैं या नहीं, जो कि हम लेटर ऑन इस वीडियो के अंदर थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। और मोर ओवर हाउ मच द गुड डेटा टू गैदर, लाइक हाउ मैनी रेप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड। तो स्टडी स्टेट सिस्टम के अंदर कितनी रेप्लीकेशन आपको रिक्वायर्ड है, लेट्स से अगर मुझे 10 रेप्लीकेशन रिक्वायर्ड है, हर 10 रेप्लीकेशन के अंदर लेट्स से मेरी सिमुलेशन जो है वो 5 डेज के लिए रन हो रही है, तो हर 8 रेप्लीकेशन के अंदर फर्स्ट टू लेट्स से 2 डे का जो मेरे पास वार्म अप पीरियड है उसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ, लास्ट 3 डेज को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। तो टोटल 10 डेज में मुझे हर पहले 2 दिन की इस वार्म अप पीरियड को रिमूव करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली आपकी कॉस्ट जो है इसके ऊपर इंकर होगी और इसको भी आपको देखना पड़ेगा। तो इट्स एक्चुअली द ट्रेड ऑफ। और इसके अलावा आप बैच साइज रन कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे बैच 8 ही रेप्लीकेशन के अंदर एक लार्ज रिलेटिवली वेरी वेरी लार्ज सिमुलेशन रन करूँ एक लॉन्गर पीरियड के लिए, और फिर हम उसको बैचेस में कन्वर्ट करके उसकी बेसिस पे हम किस तरह से कॉन्फिडेंस इंटरवल्स की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो हमारा आज के इस लेक्चर का फोकस है, जो ऑब्जेक्टिव इस पॉइंट पे हो रहा था, हम किस तरह से स्टेडी स्टेट सिस्टम की सिमुलेशन को अरिना के एनवायरमेंट में रन कर सकते हैं, और कौन कौन से इन साइट्स हैं जिसको आपने फोकस करना होगा इस सिमुलेशन को रन करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो एक इम्पोर्टेंट बात और स्टेडी स्टेट सिमुलेशन के अंदर कि इसकी रनिंग और एनालिसिस जो है वो हार्डर होते हैं एज कम्पेयर टू द टर्मिनेटेड सिमुलेशन स्टडी। सो मोस्ट ऑफ द केस आपको टर्मिनेटेड सिमुलेशन स्टडीज की तरफ जाना चाहिए, बट इन सम केसेस आपको स्टेडी स्टेट सिमुलेशन की भी जरूरत पड़ती है। सो हम क्या कर रहे हैं जी, अब हम यहाँ पे मोस्ट ऑफ द मॉडल जो होते हैं हमारे स्टार्ट होते हैं एम्प्टी और आइडल सिस्टम के साथ। लाइक एंटिटीज जो हैं हमारी वो जीरो टाइम, मतलब जो जीरो टाइम पे जब हम स्टार्ट करेंगे तो सिस्टम में कोई एंटिटी प्रेजेंट नहीं हो रही, जो हमारी रिसोर्सेज हैं वो आइडल है और इसमें कोई भी रिसोर्स अभी बिजी नहीं है, जीरो। लाइक हम जब स्टार्ट कर रहे हैं सिस्टम को, तो टर्मिनेटिंग सिमुलेशन के अंदर ये केस जो है रियलिस्टिक और ओके है, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कवर कर लिया था। बट इन स्टेडी स्टेट सिमुलेशन यहाँ पे बाइसनेस जो है वो आपकी अटर होगी स्टार्टअप पे, जैसा मैंने आपको प्रीवियस ड्राफ्ट के थ्रू लाइक एक फीडर के थ्रू एक्सप्लेन किया है। तो हमने उस बाइसनेस को एक्चुअली रिड्यूस करना होता है, और उस स्टार्टिंग का जो आपके पास पीरियड है, वार्म अप पीरियड है या रन लेंथ है, उसको हम किस तरह से अब अपने मॉडल के पैरामीटर्स जो है किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं उसको अब हम देखेंगे। और इस पर्पज के लिए मैंने यहाँ पे एक मॉडल जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में 7-1 डिज़ाइन किया था स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का, उसको मैंने ओपन किया है, और अब हम यहाँ पे कुछ बेसिक सी चेंजेस करके देखते हैं कि हम किस तरह से अपने स्टेडी स्टेट सिमुलेशन स्टडीज को रन कर सकते हैं। सो द बेटर एट द स्टार्टिंग पॉइंट कि हम अब स्टार्ट कहाँ से करें, लाइक हम अपने मॉडल को कितनी देर के लिए रन करें और कितने टाइम पीरियड के लिए करें, वार्म अप पीरियड कैसे डिफाइन करना है, इन सब पॉइंट्स के ऊपर अब हमने फोकस करना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे रन पे जाऊँगा और मुझे यहाँ पे रन कंट्रोल पे जाना है और बैच रन नो एनिमेशन पे क्लिक करना है, इस वजह से क्योंकि अब हमारा जो कंसर्न है वो सिमुलेशन के ऊपर है रादर देन द एनिमेशन, और क्योंकि हमने लॉन्गर पीरियड के लिए सिमुलेशन को रन करना है तो जस्ट टू फास्टर द सिमुलेशन
रिजल्ट्स मैंने इसको नो रन किया, और इसको मैं सेव एज कर लेता हूँ एज मॉडल 7-2, और अगेन रन सेटअप पे जाएंगे तो यहाँ पे इस मॉडल का नेम हम 7-2 कर लेते हैं, और रेप्लिकेशन पैरामीटर्स के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास अभी नंबर ऑफ रेप्लिकेशन 1 है, और प्रीवियस 7-1 जो मॉडल था उसमें हमने 32 आवर्स के लिए सिमुलेशन को रन किया था। बट हमने अब चूंकि सिमुलेशन को स्टेडी स्टेट के लिए रन करना है, तो एट इनिशियली वार्म अप और रन लेंथ को डिफाइन करने के लिए हम कुछ प्लॉट्स को ड्रा करेंगे। प्लॉट्स को ड्रा करने का मतलब ये है कि हम थोड़ी वेरिएबिलिटी चेक करना चाह रहे हैं हमारी मल्टीप्लिकेशन, लाइक मल्टीपल रेप्लिकेशन के थ्रू या सुपर इम्पोज प्लॉट के थ्रू हम देखेंगे, और हम कंटिन्यूसली अपने उन प्लॉट्स के ऊपर आई बॉल की तरह उनके ऊपर फोकस करेंगे और देखेंगे कि हमारा वार्म अप पीरियड या रन लेंथ के लिए क्या टाइम हम स्पेसिफाई करते हैं। सो यहाँ पे हमने वो वैल्यू जो है वो सिलेक्ट करनी है। सो इस पर्पस के लिए हम यहाँ पे एडवांस ट्रांसफर पे जाएंगे, और सॉरी एडवांस प्रोसेस पे जाएंगे, और स्टेटिस्टिक्स की स्प्रेडशीट पे मैं क्लिक करूँगा। देन यहाँ पे हम डबल क्लिक करते हैं, और अब हम यहाँ पे स्टेटिस्टिक्स जो है वार्म अप पीरियड की कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे डिफाइन करेंगे उसकी आउटपुट। इस वजह से ये कह रहे हैं कि जब हम यहाँ पे प्लॉट ड्रा करते हैं तो ड्यूरिंग द रनिंग ऑफ द सिमुलेशन आपको वो प्लॉट की वैल्यूज शो होंगी, बट जब आप सिमुलेशन स्टॉप कर देंगे तो वो प्लॉट की वैल्यूज अगेन डिसअपियर हो जाएंगी। सो दैट्स व्हाई हम आउटपुट एनालिसिस को यूज करते हुए उस प्लॉट को ड्रा कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे एक नेम जो है स्टेटिस्टिक्स का जिसकी मुझे आउटपुट रिक्वायर्ड है उसका नेम डिफाइन कर रहा हूँ, दैट इज टोटल वर्क इन प्रोसेस, और इसकी टाइप जो होगी वो मेरी आउटपुट टाइप होगी। और तो मैं यहाँ पे अब राइट क्लिक करूँगा और बिल्ड एक्सप्रेशन पे जाऊँगा, और देन मुझे एंटिटीज पे जाना है, और एंटिटीज में नंबर इन प्रोसेस, और मुझे पार्ट वन प्लस पार्ट टू प्लस पार्ट थ्री, तो मुझे थ्री पार्ट्स की टोटल वर्क इन प्रोसेस जो है उसको चेक करना है, और इसको मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन बिल्ड किया और ओके कर दूंगा, तो ये यहाँ पे मेरा एक्सप्रेशन जो है यहाँ पे ऐड हो चुका है। देन मुझे इसकी अब आउटपुट फाइल रिक्वायर्ड है, तो मैं यहाँ पे आउटपुट फाइल का नेम बना लेता हूँ टोटल वर्क इन प्रोसेस हिस्ट्री डॉट डी ए टी, और इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं अपने चैप्टर 7 के फोल्डर में। अब यहाँ पे मेरी फाइल जो है ये क्रिएट हो जाएगी, इसको मैं सेव कर देता हूँ, और नेक्स्ट अब हमने आउटपुट एनालाइजर के थ्रू उस प्लॉट डाटा की वैल्यूज तो देखना है, बट उस पर्पस के लिए पहले हम इस सिमुलेशन को रन करेंगे, और रन करने के लिए इसमें मैं इनिशियली रेप्लिकेशन की जो नंबर ऑफ रेप्लिकेशन है वो 10 सेट कर रहा हूँ, और मुझे इसकी रेप्लिकेशन लेंथ जो है वो 5 days करनी, लाइक मुझे 5 days के लिए सिमुलेशन को रन करना है फॉर 10th रेप्लिकेशन, और रिमेनिंग जो डेटा सेट की वैल्यूज यहाँ पे चेक इन एज इट इज रहने देंगे, और प्रोजेक्ट पैरामीटर्स के अंदर इन क्यूज एंटिटीज और रिसोर्सेज लाइक इनको मैं अनचेक कर दूँगा क्योंकि मुझे भी इनसे कंसर्न नहीं है इस रिक्वायर्ड सिमुलेशन स्टडी को रन करने के लिए। सो अप्लाई करके ओके कर दूंगा। आई एक्चुअली डू दिस थिंग जस्ट टू स्पीड अप द सिमुलेशन स्टडी, तो सिर्फ सिमुलेशन स्टडी को स्पीडली रन करने के लिए ये प्रोसेस जो है मैंने यहाँ पे किया है। ओके तो इसको सेव करते हैं, और इसको अब मैं रन करता हूँ मॉडल को, और हाउ फास्ट इज इट, और मेरा मॉडल जो है वो रन हो गया, और इसको मैं येस करूँगा, और यहाँ पे मेरे पास इसकी रिपोर्ट जो है वो जनरेट हो जाएगी। बहरहाल हमें अभी इस रिपोर्ट से कंसर्न नहीं है, मेरी डाटा फाइल जो है .dat की वो अपडेट हो चुकी है इस फोल्डर में, तो मैं आउटपुट एनालाइजर ओपन करूंगा। और अब यहाँ पे हम न्यू फाइल पे क्लिक करके ऐड कर लेता हूँ मैं अपनी फाइल, और मेरी फाइल चैप्टर 7 के अंदर पड़ी है ये टोटल वर्क इन प्रोसेस हिस्ट्री डॉट डी ए टी जो हमने अभी क्रिएट की है, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ मॉडल को आउटपुट 1 के नेम से ही चैप्टर 7 में। और अब मुझे यहाँ पे इसका प्लॉट जो है वो ड्रा करना है, सो मैं यहाँ पे ग्राफ पे जाऊँगा और इस प्लॉट पे क्लिक करूँगा। मोर ओवर आप यहाँ पे इस प्लॉट के बटन में भी क्लिक करके इस प्लॉट की विंडो को ओपन कर सकते हैं।
देन मैं ऐड पे क्लिक करूँगा और मेरी ये फाइल यहाँ पे ओपन है और नंबर ऑफ एप्लीकेशन मुझे ऑल रिक्वायर्ड है, इसे ओके कर देंगे। और यहाँ पे टाइटल के अंदर अब हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं वर्क इन प्रोसेस वार्म अप, और टाइम मेरे पास जो है वो मिनट्स में है, और एक्स एक्सिस पे जो मेरे पास वैल्यूज हैं वो वर्क इन प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और इसको मैं ओके करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास ग्राफ बन जाएगा। उप्स ओके, तो एक्चुअली द इशू इज कि मेरे यहाँ पे टाइप जो है वो आउटपुट है डेट्स वाई मुझे चार्ट पे कुछ शो नहीं हुआ, तो मुझे इसको टाइम परसिस्टेंट करना था। और इसको अब मैं सेव करके अगेन रन करता हूँ और इसको मैं नो कर दूंगा, एंड करूंगा, और मेरी फाइल जो है ये आउटपुट फाइल अपडेट हो चुकी है। और अब हम यहाँ पे अगेन इस फाइल को ऐड कर देते हैं और यहाँ पे मैं प्लॉट पे जाता हूँ और ये मैं फाइल अपडेट करके ओके करूँगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा चार्ट जो है वो बन गया। यहाँ पे मेरी टोटल नंबर ऑफ 10 रेप्लिकेशंस के लिए यहाँ पे चार्ट जो है आपको शो हो रहा है लाइक दिस। सो इस इनिशियल प्लॉट से आप गेस कर सकते हैं, एजुकेटेड गेस कर सकते हैं किसी हद तक कि आपका वार्म अप पीरियड या वार्म अप लेंथ जो है वो कितनी आपने स्पेसिफाई करनी है। सो वार्म अप जो है हम यहाँ पे अगर देखें, ये यहाँ पे मेरे पास टाइम जो है वो मिनट्स में है, तो यहाँ तक अगर आप देखें तो मेरी इनिशियल जो स्टेज है ये ट्रांजिएंट पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे वेरिएशन जो है वो कम है, जबकि यहाँ पे आप देखें वेरिएशन ड्रामेटिकली इंक्रीज कर रही है। सो हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लाइक 2 डेज अगर हम देखें, यहाँ पे 2000 मिनट्स अगर हम इसको कंसिडर करें, लाइक ये अगर मेरे पास 2000 मिनट्स हैं और दैट्स राउंड अप टू 2 डेज लाइक 2880 मिनट्स, तो ये मेरे पास ट्रांजिएंट पीरियड का डाटा सेट है जो कि मैं वार्म अप के लिए यहाँ पे सेट करने जा रहा हूँ। सो इस तरह इनिशियल गैस लाइक प्लॉट को ड्रा करके आप गैस कर सकते हैं कि आपकी वार्म अप पीरियड की लेंथ जो है वो क्या होगी। सो हम इसी पॉइंट को अपना बेस पॉइंट कंसीडर करते हुए अपने इस मॉडल में अब अपडेशन करेंगे और मैं इस मॉडल को अब सेव एज करूँगा एज मॉडल 7-3। और अब हम अगेन रन पे जाते हैं, सेटअप पे जाएंगे और इसको मैं यहाँ पे 7-3 कर देता हूँ। रेप्लिकेशन पैरामीटर के अंदर हम इसकी 10th रेप्लिकेशन ही करेंगे, लेकिन अब हम वार्म अप पीरियड जो है इसमें से एक्सक्लूड कर देंगे अपने रिजल्ट्स में से। तो मैं यहाँ पे वार्म अप पीरियड के लिए 2 डेज ऐड कर देता हूँ, मुझे 2 डेज के लिए डाटा जो है ट्रांजिएंट पीरियड का डाटा जो है वो इंक्लूड नहीं करना। और 5 रेप्लिकेशन है, इट मीन्स कि अब मेरी जो रिजल्ट आएंगे वो 3, 4, 5 लास्ट 3 डेज के आएंगे इन 5 डेज में से, और फर्स्ट 2 डेज के रिजल्ट जो है वो इंटर नहीं होंगे मेरी स्टेटिस्टिक्स की फाइल में। अप्लाई करके ओके कर देंगे और इसके साथ ही अब मुझे स्टेटिस्टिक्स के अंदर जो ये मेरी फाइल है इसकी मुझे फर्दर ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं है, तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ और इसको मैं सेव कर रहा हूँ। सो नेक्स्ट अब हम इस मॉडल को रन करते हैं, यस करते हैं, और यहाँ पे अब हम देखें टाइम परसिस्टेंस के अंदर मेरे पास जो एवरेज वैल्यू आई है वर्ड इन प्रोसेस की डेट इज 16.39 और हाफ विथ की वैल्यू जो है डेट इज 6.51 विद वार्म पीरियड। अब इसी मॉडल के साथ हम रन करते हैं अगेन और इस वार्म अप पीरियड को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, लेट्स से जीरो कर देते हैं, अप्लाई करके ओके करते हैं और अगेन रन करते हैं, यस करेंगे। और यहाँ पे आप देखें मेरे पास वैल्यू आ रही है 15.35 और हाफ विड्थ है 4.20। सो यू कैन सी कि जब मैंने वार्म अप पीरियड के साथ इस मॉडल को रन किया तो मेरी जो एवरेज है वो 16.39 वर्क इन प्रोसेस आ रही थी, जबकि विदाउट वार्म अप इज 15.35। तो यहाँ पे मेरा इंक्रीज हो गया मेरे प्रोसेस वर्क इन प्रोसेस के अंदर, एज वेल एज हाफ विड्थ भी इंक्रीज हो रही है। द रीज़न इज कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर पीरियड में मेरे पास ट्रांजिएंट जो पीरियड था लाइक फर्स्ट 2 डेज
जो हमने वार्म अप के लिए सेट किए थे वो इसमें इंक्लूड नहीं है, सॉरी इसमें इंक्लूड है, इस अपर वाले में इंक्लूड नहीं है, इसमें लास्ट 3 डेज का डाटा जो आ रहा है। तो ये मेरा एस्टिमेटर जो है लाइक बाइसनेस यहाँ पे किसी हद तक शो हो रही है। सो जस्ट टू क्रॉस चेक हम क्या करते हैं, इसी डाटा को 100 रेप्लीकेशन के साथ चेक करते हैं, और जब आप इसको 100 रेप्लीकेशन के लिए रन करेंगे तो आपके पास विद वार्म और विदाउट वार्म ये स्टेटिस्टिक्स आएंगे, और यहाँ पे भी सेम पैटर्न आपको मिलेगा जैसा आपको यहाँ पे मिल रहा है। ये देखें विदाउट वार्म अप इज 14.42 और विद वार्म इज 15.45, और यहाँ पे मेरे पास हाफ विथ की वैल्यू भी उसी हिसाब से इंक्रीज और डिक्रीज शो हो रही है। सो यू कैन सी द हाफ विथ एंड वार्म अप आर लार्जर सिंस ईच रेप्लीकेशन इज बेस्ड ऑन द लास्ट 3 डेज नॉट ऑल द 5 डेज एज आई एक्सप्लेन बिफोर। सो स्मॉलर द कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है हमारा वो कैसे अब हम यहाँ पे अचीव करें इस पर्टिकुलर पीरियड में। द थिंग इज कि आप मोर एप्लीकेशन करें और लेंथ जो है वो सेम रखें, लाइक आप रन सेटअप और यहाँ पे अब आप क्या करें, आप रेप्लीकेशन जो है वो इंक्रीज कर दें लेकिन लेंथ जो है आपकी वार्म अप पीरियड की वो आप सेम रखें, वो आप चेंज ना करें। और द बेस्ट थिंग इज कि आप नंबर ऑफ रेप्लीकेशन सेम रखें लेकिन लेंथ जो है रेप्लीकेशन लेंथ जो है इसको आप इंक्रीज कर दें, एंड दिस माइट बी द सेफर चॉइस टू गार्ड अगेंस्ट द इनिशियलाइजेशन ऑफ द बाइस जो कि आपको यहाँ पे शो होगी। तो आप यहाँ पे day 7 कर दें तो लास्ट 5 डेज इंक्लूड हो जाएंगे, और इस तरीके से फिर आपकी हाफ विड्थ जो है वो स्मॉलर हो सकती है। सो इट्स ऑल अबाउट द ट्रंकेटेड रेप्लीकेशन, ये जो अभी हमने स्टडी किए हैं स्टेप, इसको हम ट्रंकेटेड रेप्लीकेशन लाइक नंबर ऑफ रेप्लीकेशन जो है वो कैलकुलेट कर रहे थे कि हमें कितनी करनी चाहिए। सो एक चीज़ तो ये अगेन मैं थोड़ा सा रिव्यू रीटैप करवा दूँ या रिव्यू करवा दूँ कि इन द सेंस कि हमने पहले प्लॉट ड्रा किया यूजिंग द प्रोसेस आउटपुट एनालाइजर, और आउटपुट एनालाइजर के थ्रू हमने जो है वार्म अप पीरियड की लेंथ जो है वो डिफाइन की इनिशियल बेसिस पे, और वो हमारे पास 2000 लाइक 2 डेज हमने यहाँ पे सिलेक्ट की, और 2 डेज की वार्म अप पीरियड को सेट करने के बाद हमने ट्रंकेटेड जो नंबर ऑफ रेप्लीकेशन थी उसको परफॉर्म किया, और जो हमने मॉडल को अपडेट किया 7-2 से 7-3 में, और हमने उसको पैरामीटर्स और डाटा को ऐड करके जो हमारी ट्रंकेटेड रेप्लीकेशन के अगेंस्ट वार्म अप और विदाउट वार्म अप वैल्यूज आ रही थी वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर। अब हम सेकेंड स्टेप जो है वो डिस्कस करने लगे हैं इसमें, जो कि हमारा है बैचिंग इन अ सिंगल रन। अब यहाँ पे तो हमारी नंबर ऑफ एप्लीकेशन डिफरेंट थी, लाइक ज़्यादा हमने की 10th की। अब हम बैचिंग इन सिंगल रन, हम 8 टाइम मॉडल को रन करें लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारी जो रन लेंथ है वो बहुत लॉन्ग है, सो वी हैव टू पे ओनली द वार्म अप वंस। लाइक ट्रंकेटेड रेप्लीकेशन की सूरत में आप जब 20 टाइम या 10 टाइम या 100 टाइम रेप्लीकेशन परफॉर्म करेंगे तो क्या इशू आएगा, आपको हर दफ़ा जो ट्रांजिएंट पीरियड का डाटा सेट है उसके ऊपर डेफिनेटली टॉस इंटर होगी, और टॉस इंटर होगी और उसके साथ साथ आपके सिस्टम और अदर जो रिसोर्सेज हैं वो भी यूज होंगी। सो ये एक गुड वे नहीं रहेगा, आपको कॉस्ट जो आपकी डेफिनेटली ड्रामेटिकली इंक्रीज करती जाएगी हर एक उस पीरियड के लिए कॉस्ट पे करना जो कि आपकी सिमुलेशन की स्टडी में इंक्लूड ही नहीं है। सो हम एक सेकेंड मेथड दिया कि हम 8 दफ़ा रन करें, लाइक हम 8 दफ़ा क्रॉस पे करेंगे फॉर इनिशियल जो ट्रांजिएंट पीरियड का डाटा सेट है, जो वार्म अप पीरियड का डाटा है, और रिमेनिंग जो हमारी सिमुलेशन की लेंथ है वो इतनी लॉन्ग है कि हम उसको फिर डिफरेंट बैचेज में कन्वर्ट कर देंगे, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन किया था लाइक दिस। यहाँ पे हम फिर क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे अब ये जो पीरियड है एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ द लॉन्डर रन, तो यहाँ पे हम बैचेस क्रिएट करेंगे और उन बैचेस की बेसिस पे फिर हम कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो कैलकुलेट करेंगे। बट एज द कॉन्फिडेंस इंटरवल की कैलकुलेशन के लिए आपके पास मल्टीपल रन होने चाहिए। सो अरीना क्या कह रहा होता है, मल्टीपल डाटा जो आप डिफरेंट एप्लीकेशन करते हैं उसकी बेसिस पे फिर आपको वो हाफ विड्थ जो है वो कैलकुलेट करके देता है, बट फॉर सिंगल रन जो है हाफ विड्थ कैलकुलेट नहीं होगी। अगर मिनिमम जो वैल्यू सिंगल डाटा वेरियंस को एस्टिमेट करने के लिए रिक्वायर्ड है दैट इज 300 एंड समथिंग, वो आपकी नहीं अगर आती रन में तो फिर आपकी हाफ विड्थ जो वो कैलकुलेट नहीं होगी, दैट इज एक्चुअली 320 ऑब्जर्वेशन।
सो द प्रॉब्लम इज वन एप्लीकेशन में, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, यू नीड मोर देन दैट टू फॉर्म द वेरियंस एस्टिमेट. सो बेसिक क्वांटिटी नीडेड फॉर द स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, दैट इज द 320. सो द बिग नो नो लाइक यूज इंडिविजुअल पॉइंट विद इन द सिंगल रन एज डाटा फॉर वेरियंस एस्टिमेट, और यूजली कोरिलेटेड नॉट इंडिपेंडेंट लाइक वेरियंस एस्टिमेट बाइस. इस सूरत में क्या होगा, सिंगल रन में आपकी वेरियंस जो है एस्टिमेटेड बाइस जो है उसके अंदर अकर होगा और वो कोरिलेटेड हो सकती है. सो इस प्रॉब्लम को हम रिजोल्व कैसे कर सकते हैं, हम लॉन्डर रन करेंगे. लाइक हम अपने बैचेस शो फ्यू लार्ज बैच में बनाएंगे और देन उन बैच की बेसिस पे हम ऑब्जर्वेशन जो है वो कैलकुलेट करेंगे और हम बैच की ऑब्जर्वेशन आउटपुट डिस्क्रीट टाइम के लिए ऑब्जर्वेशन बेस जो है वो टैली डिस्क्रीट टाइम और योर टाइम परसिस्टेंस जो है वो कंटिन्यूस टाइम लाइक टाइम बेस जो है आप ऑब्जर्वेशन कलेक्ट करते हैं. और आप एवरेज अगर आपने बैचेस की फाइंड आउट करना चाह रहे हैं फ्रॉम बेसिक स्टेटिस्टिक्स फॉर एस्टिमेशन लाइक बैच मीन, तो आप टैली आउटपुट और टाइम परसिस्टेंस की को यूज करते हुए सिंपल अरिथमेटिक एवरेज और कंटिन्यूस टाइम एवरेज जो है वो कैलकुलेट करेंगे. और हम अज्यूम यही करेंगे कि हम बैचेस के अंदर आई आई डी जो है एप्लीकेशन करेंगे सो दैट द ईच बैच साइज मस्ट बिग इनफ फॉर द लो कोरिलेशन बिटवीन द सक्सेसिव बैचेस एंड स्टिल माइट वांट टू ट्रांटेक सो वंस टाइम बेस. सो हम आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपने मॉडल 7-3 को सेव एज कर लेंगे एज मॉडल 7-4. और अब हम यहाँ पे नंबर ऑफ रेप्लिकेशन जो है रन पे जाएंगे और नंबर ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो 50 डेज के लिए रन करेंगे. और हमारे पास रेप्लिकेशन जो है नंबर 1 ही है. तो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, हम सेम अमाउंट लाइक प्रीवियसली हमने 10 रेप्लिकेशन दी थी फॉर 5 डेज, अब हम 50 डेज के लिए रन करेंगे फॉर 1 रेप्लिकेशन. तो हमने क्या किया, एक्चुअली हमने एप्लीकेशन लेंथ जो है वो इंक्रीज कर दी और उसकी बेसिस पे फिर हम अगेन ग्राफ जो है प्लॉट जो है वो ड्रा करेंगे. और यहाँ पे आपको ये जो लाइंस नजर आ रही है इंडिकेट करें कि हमने इनको बैचेस में कन्वर्ट किया हुआ और हम हर एक बैच की डिफरेंट बैच के साथ फिर वैल्यूज को यूज करते हुए हाफ विड्थ जो है वो कैलकुलेट करेंगे. तो यहाँ पे 0 और वार्म अप जो है हमारे पास 2 डेज है, अगेन हम 2 डेज ही रखेंगे और 50 लेंथ की रेप्लिकेशन लेंथ जो है 50 डेज है और नंबर ऑफ रेप्लिकेशन हमारे पास 1 है. और इसको मैं आउट कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ. और अब हमें स्टेटिस्टिक्स के अंदर फाइल जो है वो रिक्वायर्ड है ताकि हम प्लॉट जो है वो ड्रा कर सकें. तो मैं यहाँ पे टोटल वर्किंग प्रोसेस हिस्ट्री फॉर वन नॉन रन डॉट डी ए टी के नाम से ये फाइल बनाऊंगा और टाइम परसिस्टेंट होगी और इसका एक्सप्रेशन सेम रहेगा हमारे पास फॉर इंटायर एप्लीकेशन. इसको सेव करेंगे और अब हम इसको रन करते हैं और इसको नोट करेंगे और देन हम अगेन आउटपुट एनालाइजर पे जाएंगे. और यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ अपनी सेकेंड फाइल को, डेट इज़ द टोटल वर्किंग प्रोसेस हिस्ट्री फॉर वन लॉन्ग रन. इसको ओपन कर लेते हैं और अब हम अगेन यहाँ पे प्लॉट पे जाते हैं. इसको डिलीट करके ऐड करता हूँ मैं अपनी सेकेंड फाइल और इसे ओके कर देता हूँ और इसको हम वन नॉन रन कर देते हैं. ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए मेरा ग्राफ जो है वो बन गया जो कि अब आपके बैचेस वाइज आपको यहाँ पे शो हो रहा है एक ही रेप्लिकेशन के साथ. ओके तो हम इसको बैच या ट्रंकेट में किस तरह से देख सकते हैं, इस पर्पस के लिए हम यहाँ पे एनालाइज और बैच ट्रंकेट ऑब्जर्वेशन में जाते हैं और डाटा फाइल के अंदर हम जो हमारी फाइल है वो होगी लॉन्ग रन की. नंबर ऑफ एप्लीकेशन हमारे पास 1 है, टाइटल में हम लिख लेते हैं वर्क इन प्रोसेस 1 लॉन्ग रन. और ट्रंकेशन जो हम यहाँ पे कर रहे हैं वो टाइम बेस है और हमने इनिशियल जो ऑब्जर्वेशन दैट इज 2880 लाइक 2 डेज के लिए हमने
जो स्टार्टिंग वार्म लेंथ का पीरियड था उसको हम इग्नोर कर रहे थे ना, वो यहाँ पे टाइम आ गया। और बैचेस के लिए भी हम अगेन ऑब्जर्वेशन बेस्ड हैं या टाइम बेस्ड है, तो हम टाइम बेस्ड चल रहे हैं। और साइज हम यहाँ पे 7200 मिनट्स जो है इसमें कंसीडर कर रहे हैं। और इसको आप ओके करेंगे तो यहाँ पे देखें मेरे पास समरी आ गई है, जिसमें मेरे टोटल नंबर ऑफ बैच जो बने हैं वो 9 बने हैं, और टाइम स्पेंड जो है बैच में वो 7200 है, और एस्टिमेट ऑफ कोवेरियंस बिटवीन द बैचेस जो हमारी आई है वो देखें 0.3, दैट इज अराउंड लाइक काफ़ी कम है। मतलब एक बैच की दूसरे बैच के दरमियान जो कोरिलेशन, जो कोवेरियंस आई है, दैट इज 0.37। अब हम इसी के अल्टरनेट अगेन इसी स्टेप को रिपीट करते हैं जस्ट टू शो द डिफरेंस। यहाँ पे हम टाइम जो है वो 300 कर देता हूँ, बाकी सब चीज़ें जो वैल्यूज हैं वो एज इट इज रहेंगी, इसे ओके कर देता हूँ। और यहाँ पे देखें अब मेरे पास बैचेस जो बने हैं डेट इज 230, लाइक अब मेरी बैच लेंथ जो है वो रिड्यूस हो रही है। हमने पहले नंबर ऑफ बैचेस 9 बनाए थे, अब हमारे नंबर ऑफ बैचेस 230 हैं, और एज वेल एज आप देखें को वेरियंस की वैल्यू इंक्रीज कर गई है। सो इससे ये हमें कंक्लूड निकाला कि नंबर ऑफ बैचेस जितने कम होंगे उतनी को वेरियंस आपकी कम कम होगी, जितने बैचेस आप ज़्यादा बनाएंगे उतनी उनके दरमियान जो को वेरियंस है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। और यहाँ पे ये आपको बेहतर बताया जा रही है इंफॉर्मेशन कि आपकी लॉन्डर रन के अंदर लाइक बैच जो है वो लॉन्ग होने चाहिए, उसके अंदर कम बैच हो और ज़्यादा पीरियड के लिए आपने उनको रन किया हो। सो अरीना क्या कह रहा है, अटेम्प्ट टू फॉर्म द 95% बैच मीन कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑन द स्टेडी स्टेट आउटपुट मेजर फ्रॉम विद इन द सिंगल एप्लीकेशन। तो सिंगल एप्लीकेशन के थ्रू वो बैचेस बना रहा है और उसकी बेसिस पे 95% जो कॉन्फिडेंस इंटरवल के अगेंस्ट आपको हाफ विथ की वैल्यू जो है वो रिपोर्ट करेगा। और अगर हम इसको रन करें और इसको यस करें तो यहाँ पे देखें मेरे पास हाफ विथ की वैल्यू जो है आ रही है, दैट इज 13.63 वर्किंग मीन वैल्यू है, और हाफ विथ आ रही है 1.383। सो कैटेगरी ओवरव्यू रिपोर्ट के अंदर आपको जस्ट वन रेप्लिकेशन के अगेंस्ट ये वैल्यू मिल जाएगी, और अगर आप कैटेगरी बाय रेप्लिकेशन रिपोर्ट पे जाते हैं तो आपको मल्टीपल रेप्लिकेशन जो है वो मिलेंगी। और यू कैन आल्सो यूज द इंटरनल रूल फॉर डिफाइनिंग द बैच साइज। सो इट्स एक्चुअली डिपेंड अपॉन के आपने अपने बैच साइज को किस तरह से डिफाइन करना है। फर्दर आप इसकी डिटेल अरीना टेस्ट रूल्स में देख सकते हैं। और ओके, सो वॉन्ट रिपोर्ट एनी थिंग इफ यू रन इज नॉट लॉन्ग इनफ। अगर आपकी रनिंग जो है वो लॉन्ग इनफ नहीं है तो उसको आप रिपोर्ट ना करें, क्यों, उसके अंदर इनसफिशेंट आपको जो है डाटा मिलेगा, लाइक यू डोंट हैव द मिनिमम अमाउंट ऑफ डाटा डेट एक्चुअली अरीना रिक्वायर्ड फ्रॉम टू फाउंड आर कॉन्फिडेंस इंटरवल, दैट्स वाई आपको इन डिफरेंट केसेज इनसफिशेंट हाफ विथ की सूरत में मिलता है। और को रिलेटेड का मतलब ये है कि आपका जो डेटा सेट है वो अगेन इनफ नहीं है और वो नियरली अनकोरिलेटेड है बिटवीन द बैचेस, सो दैट आल्सो रिक्वायर्ड टू बी वैलिड। सो दैट्स वाई आपकी बैच जो है वो लॉन्ग होने चाहिए ताकि इनसफिशिएंट और कोरिलेटेड का इशू जो है वो अटर ना हो। बट इफ यू आर डूइंग अ टर्मिनेटिंग सिमुलेशन स्टडी सो यू शुड बी डूइंग द मल्टीपल रेप्लिकेशन इन विच केस अरीना रिपोर्ट्स क्रॉस रेप्लिकेशन हाफ विथ नॉट बैच मीन्स हाफ विथ। तो अगर आप टर्मिनेटिंग सिमुलेशन स्टडीज को रन कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, अरीना मल्टीपल जो आपकी क्रॉस रेप्लिकेशन है उसकी बेसिस पे फिर आपकी हाफ विथ की वैल्यू को कैलकुलेट करती है। तो इस मॉडल 7-4 से जो रिजल्ट थे जो कि आपको यहाँ पे शो करवाए हैं कैटेगरी ओवरव्यू रिपोर्ट में, हमने अभी इनको कंसिडर किया, डेट इज 13.64 और हाफ विथ जो 1.3 जो कि हमारी रिड्यूस हो गई। सो हाफ विथ कंसिडरेबली स्मॉलर देन द ट्रंकेटेड रेप्लिकेशन लाइक 10 रेप्लिकेशन 5 डेज एंड 2 डेज वार्म अप पीरियड टाइम। सो यू से इट लाइक 20 डेज वार्म अप जो टाइम था वो आपको उसके ऊपर ट्रंकेटेड रेप्लिकेशन में स्पेंड होना था, जो कि बैचिंग इन अ सिंगल रन के अंदर सिर्फ 2 डेज रहा और रिमेनिंग जो टाइम पीरियड था वो आपका सिमुलेशन की स्टेडी स्टेट सिमुलेशन स्टडी के अंदर इंक्लूड होगा। सो यू कैन ऑल्सो चेक द बैच मीन एंड हाफ विथ ड्यूरिंग द अरीना वेरिएबल्स लाइक टैली आई डी फॉर
टी हाफ और डी हाफ और डी स्टैट आएगी. सो यू कैन ऑल्सो डिसाइड ऑन योर ऑन द बैच साइड फ्रॉम द बैच मीन एंड द कॉन्फिडेंस इंटरवल बाई हैंड यूजिंग द प्रो आउटपुट एनालाइजर. सो वट टू डू, देर आर सेवरल अप्रोचेज अवेलेबल एंड मैथड्स फॉर स्टडी स्टेट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड मैनी मोर एज दिस एज वेल. सो द ओपिनियन इज अवॉइड स्टडी स्टेट सिमुलेशन, लुक एट रोल ऑफ प्रोजेक्ट. आप अपने रोल ऑफ प्रोजेक्ट के ऊपर कंसिडर करें और अवॉइड करें स्टडी स्टेट सिमुलेशन स्टडी को. ये फर्स्ट ओपिनियन है. इन केस अगर ये रिक्वायर्ड नहीं है, तो अगर आपको लाजमी रिक्वायर्ड है स्टडी स्टेट सिमुलेशन, तो फर्स्ट वार्म अप जो और ट्रंकेटेड रेप्लिकेशन है उसको रन करें. सो वार्म अप टाइम जो है उसको कैलकुलेट करें यूजिंग डिफरेंट प्लॉट्स देखें, और इनिशियली डिफरेंट रन करके डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर आप वार्म अप पीरियड को देखने के बाद डिसाइड करें वार्म अप लेंथ को, वार्म अप पीरियड को, और फिर आप ट्रंकेटेड रेप्लिकेशन करें. सो इफ़ द मॉडल वार्म अप स्लोली, तो अगर आपका मॉडल जो है वो स्लो हो रहा है इन ट्रंकेटेड रेप्लिकेशन, देन आप क्या करें, आप बैच का मेथड यूज करें और लॉन्ग रन के लिए सिंगल वार्म अप पीरियड के साथ इसको स्टार्ट करके सिमुलेशन के रिजल्ट जो है वो कैलकुलेट करें. बट अनफॉर्चुनेटली यू कांट यूज एनी स्टैटिस्टिकल मेथड लाइक प्रोसेस एनालाइजर और ऑपक्वेस्ट इन दीज स्टेट, लाइक बैच मोड को यूज करते हुए आप इन प्रोसेस एनालाइजर और ऑपक्वेस्ट को यूज नहीं कर पाएंगे इन स्टडी स्टेट सिमुलेशन स्टडी. सो द अदर मेथड्स एंड रोल्स जो हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं अदर देन दोज, और आप लिटरेचर के अंदर उनको फाइंड आउट भी कर सकते हैं. फर्दर आप रेफरेंस जो टेक्स्ट बुक है सिमुलेशन विद अरीना, उसमें भी आपको डिफरेंट रेफरेंसेज जो हैं वो मिल जाएंगे. सो इट्स ऑल अबाउट कि हम किस तरह से अपने स्टडी स्टेट सिमुलेशन स्टडी को रन करते हैं और किस तरह से हम डिफरेंट इनसाइट जो हैं सिमुलेशन स्टडी की गेन करते हैं यूजिंग स्टडी स्टेट सिमुलेशन स्टडी. तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने प्रीवियस जो टर्मिनेटिंग सिमुलेशन स्टडीज था उसको थोड़ा सा रिव्यू किया है, और देन हमने स्टडी स्टेट सिमुलेशन स्टडी के थ्रू ट्रंकेटेड रेप्लिकेशन और बैच रेप्लिकेशन के बारे में अपनी इनसाइट्स को बिल्ड किया, और एज वेल एज वार्म अप पीरियड क्या होता है और किस तरह से हम उसको डिफाइन करते हैं, किस तरह से प्लॉट्स डिफाइन करते हैं, उसके बारे में पढ़े. थैंक यू.